बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी और मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जी और सभी विद्वंतगणों के चरणों में मेरा कोटानकोट प्रणाम जी। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि इस मंच से श्री प्राणनाथ जी के विषय में दो शब्द कहने का अवसर प्रदान हुआ। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कोई साधु संत या पीर पैगंबर या देवजी देवता का नाम नहीं, वरन हमारे पति प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम को ही प्यारे प्यारे शब्दों में प्राणनाथ जी कहते हैं। एक श्लोक है, प्राण रूपा प्रिय सर्व तसाम नाथो अक्षरात परा तेना सो ही नामना प्राणो नाथो ख्याता प्रियश्वरा। अर्थात उस अखंड परम धाम में अपने प्राण रूप प्रियाएँ हैं, उनके आत्मा के प्रति अक्षर से भी परे हैं, उनको ही श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। अथर्वेद का कथन है, यो भूतम च भव्यम च सर्वयश्च अधिष्ठिति स्वयस्य केवलम तस्माय ज्येष्ठाय ब्रह्माणे नमः। अर्थात उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म जो विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। विक्रमस्य गत्यब्दे शब्द दशा अष्टचित्रिकम यदा तदायाम सचिदानंदो अक्षयात परता परा सालीवान साकातु गट सूर्य सकम संतम जीवो धोराय ब्रह्मांडे काल की ब्रादो भविष्यति। सालीवान साका के 1600 वर्ष व्यतीत होंगे तथा विक्रम संबंत 1735 में इस ब्रह्मांड के जीवों के उद्धार के लिए श्री विज्ञाभिनंद बुद्ध निष्कलंक प्रकट होंगे। ये बात कुरान में इमाम मेहंदी के रूप में अल्लाह ताला को 11वीं सदी में आना लिखा था और हिजरी के अनुसार 1090 का समय था और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 1735 का समय था। उस समय श्री प्राणनाथ जी प्रकट हुए और हिंदुओं के लिए श्री विज्ञाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहलाए और मुसलमानों के लिए अखरुल जमा इमाम मोहम्मद मेहंदी और यहूदियों के लिए अखरी मूसा कहलाए और ईसाइयों के लिए सुप्रीम टूथ गॉड कहलाए। बेहद को शब्द ना पहुँची तो क्यों पहुँचे दरबार, लूगा ना पहुँचा रास लो इन पार के भी पार। जब इस ब्रह्मांड के शब्द योग माया तक नहीं जा सकते तो उससे भी परे उस श्री प्राणनाथ जी के उस दिव्य पुर परम धाम में कैसे पहुँच सकते हैं। अखंड रास का वर्णन सुखदेव मुनि से एक अक्षर कहा नहीं जा सका, उलट प्रतिबिंब रास का वर्णन कर दिया तो उससे भी परे अक्षर अक्षरातीत का वर्णन कैसे हो सकता है। अक्षर अक्षरातीत कहा वही सो भी कहियत इस सब शब्दातीत क्यों ना पा वही ए जो दुनिया हद। जब इस ब्रह्मांड के अनेक ऋषि मुनि श्री प्राणनाथ जी श्री विज्ञाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के आने की बात अनादिकाल से देख रहे थे, परंतु उस समय उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में 28वें कलयुग में श्री प्राणनाथ जी के आगमन का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्यवादी नाम किते लेऊं कई हुए तरन तारान सतना छोड़ियो कई दुख सहे सो या दिन के कारण। तारतम जान न होने के कारण ना ही श्री प्राणनाथ जी की महिमा को अरब की धरती के लोग जान पाए, ना ही हिंदुस्तान की धरती के लोग, क्योंकि ये वही प्राणनाथ जी हैं जो द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के आए और अरब की धरती पे रसूले पैगंबर कहलाए। ओ सैया फुरमान लाए हम आए वतन से वास्ते तुम, इनमें बात है तुम्हारी हकीकत देखो हमारी। सुंदर साथ जी क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता पर कहना पड़ रहा है कि श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी ले गए 28वें कलयुग में प्रकट हुए। यहाँ तक कि माननीय हमारे महानुभव लोग उनको संत कवि या भगवान की लाइन में खड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि उनके माता पिता की भी घोषणा जो बड़े जोरों शोरों के साथ की जाती है। मैं तो सिर्फ श्री प्राणनाथ जी के वाणी के मंथन के हिसाब से उनके कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनकी जो महिमा है उसको मैं प्रकट कर सकूँ। किरंतन के 11वें प्रकरण में कहा है कि श्री प्राणनाथ जी संत कवि नहीं है। रेहू नाही सिद्ध संतरी रे दुनिया वालों, श्री प्राणनाथ जी कोई साधु संत या कवि या देवचंद जी के शिष्य नहीं,
उतरा अश्रातीत थे, ये जानते हुए भी जो बीट देते हैं उनके लिए श्री महामती जी ने क्यामत नामा के 8वें प्रकरण में स्पष्ट कहा है, इन मोती के मोल कहो न जाए, ना किन्हों कानों सुनाए, सोए जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। अनमोल मोती पूरण ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी की महिमा अनंत है, शब्दातीत है। शब्दातीत की महिमा को शब्दों में बांधने वाला या संत कवि कहने वाला कायमी के दिन दोजक की अग्नि में जलेगा। श्री प्राणनाथ जी के बराबरी का द्वापर युग से लेकर आज तक ना कोई हुआ है, ना है, ना होगा। सुंदर साथ जी, इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कुछ कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, देख लिया क्या चमत्कार हो रहा है? सुंदर साथ जी, भाई मुझे तो खतरे की घंटी नजर आ रही है। ये देखो ज्ञानपीठ में कैसी कैसी हमारी शिक्षा जो है वो आगे बढ़ रही है, बच्चे हमारे, और ये बच्चा तो बेहद कुछ साल ही हुए हैं अभी। कितने साल हुए बेटा ज्ञानपीठ में आए हुए? 4-5 साल हुए हैं, 6 महीने। ओहो, क्या हुआ?